और विशेष करके आज के इस नए दिन में हम एक थोड़ा दूल्हा और दुल्हन को हम पाते हैं, तो आपने देखते हो हमें ऐसा अवसर दिया कि इन जोड़ों का पवित्र विवाह आज संपन्न होने पाए। और हे पिता परमेश्वर कि हम इस विवाह को संपन्न करने के निमित्त तेरे हाथ में सब समर्पित होते हैं। दूल्हा दुल्हन के साथ जितने भी आगन जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हाँ, सभी के बैठ।
और भाई और बहन, हम आज के दिन में अत्यधिक आनंदित होंगे क्योंकि हम इस दिन की प्रतीक्षा अत्यधिक लंबे समय से करते रहे और वह प्रतीक्षा की घड़ी आज हमारे बीच में उपराम वे दो तनके से दो नहीं परंतु एक तन की होंगी, दो तन नहीं परंतु एक तन की। आप या पति पत्नी को परमेश्वर ने जो आशीष के द्वारा दिया है उस अधिकार को वे प्राप्त करते हैं, उस अधिकार को प्राप्त करते हुए अपना जीवन को वे व्यतीत करते हैं। इसमें कोई भी मनुष्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है क्योंकि यह विवाह एक या दो दिन के लिए वे विवाह नहीं करते हैं। आप दोनों में से एक दूसरे के प्रति दोनों को विश्वास बने रहना आवश्यक है क्योंकि एक दूसरे के प्रति यदि वे विश्वास नहीं होते हैं यहाँ पर दोनों का विवाह विच्छेद हो सकता है, दोनों विवाह से विच्छेद हो सकते हैं और यहाँ पर दोनों का जीवन अलग अलग हो सकता है। अतः दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के प्रति विश्वास होते हैं और परमेश्वर का डर और भय को मानते हुए वे अपना जीवन को परमेश्वर के सदृश परमेश्वर के वचन और आज्ञा के अनुसार वे अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, वे उन आशीषों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुखमय और मंगलमय बना।